कति दिन भयो एडमिट भएको? आजसम्म छ दिन भयो। मैले हिजो जबरजस्ती डक्टर चिसो होला भन्दाखेरि हुँदैन अरे, के भन्छ, अलिकति पेसेन्ट चाहिँ ठिक भएपछि चाहिँ होम आइसोलेसनमा बनाउनु अरे। अन्त बिचमा त त्यो पेसेन्ट चाहिँ नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो त्यो गरेर पो उहाँले त होम आइसोलेसन गर्नुपर्ने होइन भन्नुहोस् त। हो कि? हजुर सर। एउटा अर्को हो, मतलब त्यही दिनमा एडमिट हुनुभएको? हजुर सर। पोजिसन कस्तो छ अहिले? अब ब्रिथिङ प्रब्लम भइरहेको छ होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ के भन्दोरहेछ भनेदेखि पेसेन्टलाई अब मेरो भाउ खोकिरहेको छ, अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्दोरहेछ खोक्दाखेरि पनि यसो नराम्रो दृष्टिले हेर्ने, अब किनभने जब पेसेन्ट खोकिरहिरहेछ नि त सिस्टरहरूले चाहिँ टाढो छ, अब यति पेसेन्टलाई त उहाँहरूले इन्करेज गर्ने हो कि आज डिस्करेज गर्ने अहिले कति कोभिड पेसेन्ट छन्, कसको के ट्रिटमेन्ट चल्दैछ है, कुन डक्टरले हेर्दैछ, त्यो सबैको लागिमा आएको सर। हेर्नुहोस् यहाँ रो मात्रै होइन, यहाँनिर अरू कोभिड पेसेन्टहरू 15-20 दिन भइसकेको छ अहिलेसम्म आधी पेसेन्ट केही गरेको छैन। बाबा हुन्छ 4 दिन भइहाल्छ, मलाई बेड नम्बर पनि दिएको छैन, मेरो बाबासँग बाबासँग चारजना छ अरे, त्यहाँ सानो रुम छ अरे, चारजना छ अरे है। मेरो बाबासँग मैले हिजो फोन किनेर बाबालाई दिएँ, बाबासँग बात भयो बिहान, मैले खाजा ल्याइदिएको थिएँ, ओट्स ल्याइदिएको थिएँ, ओट्स पुरा मन पराउनु हुँदो रहेछ, ओट्स ल्याइदिएको थिएँ। अन्त उहाँलाई त्यो दिएर म बात गरेर बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ अन्त बाबा ठिकै थियो, अक्सिजन डक्टरसँग डक्टरले भन्यो अक्सिजन नलगाउनु, अक्सिजन एक दिन नलगाउँ, हेरौँ अक्सिजनै मात्रै लाएर पनि चेक गर्नु सकिँदैन भनेर चाहिँ भनेछ। त्यसो रहेछ त्यहाँदेखि फेरि हामीले यहाँनिर सोद्धाखेरि तल सोध्नु भन्यो, मे हेल्प युमा सोध भन्यो, बाबा राम्रै छ, तल आएर हामीले क्रस चेक गर्दाखेरि तलबाट रिपोर्ट के थियो भनेर हामीलाई कन्डिसन ठिक छैन, अक्सिजन लेभल एकदम कम्ती छ, हो अक्सिजन चलिरहेको छ, अक्सिजन लेभल कम्ती छ, तर पेसेन्टको हालत चाहिँ ठिक छैन, एकदम नाजुक छ, रिपोर्ट त एकदमै छ, रिपोर्ट एन्करेजमेन्ट दिँदैन, सही दिँदैन, कहिले पनि हामी सिस्टरको अगाडि जान्छौँ होइन, 12 घन्टा पछि बाहिर निस्किने, अब हामी पेसेन्टको बारेमा हाम्रो पेसेन्ट कन्डिसन कस्तो छ भनेर अफिसरले सोध्छ नि, पहिले उनीहरूले राइट उयो इन्फर्म मिरिकबाट आएको, अनि यहाँ त 15-20 दिन भइसकेको रहेछ बिचरा कोभिड वार्डमा हालेको हालेकै, उहाँ न कन्टिन्यू न ऱ्याड टेस्ट न आरटिपिसिआर केही गराएको छैन, अन्त बिचरा कोभिड वार्डमा हालिदिएको पोजिटिभ चल रहा है, बहुत काम है अभी। मुझे लगता है ये एक अवसर भी है सेवा करने के लिए, हम सब डॉक्टरों के मिला है, और क्योंकि बहुत मतलब देश भर में ही खराब है, इसमें कोई नहीं है, बहुत अच्छा है, सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही है। पिछली बार जब पहला वेव हुआ था तो दार्जिलिंग में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, हाँ बट फिर भी पहाड़ में ज़्यादा इतनी समस्याएं नहीं देख रही थी। और इस बार की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, मतलब हमारे पर्टिकुलरली दार्जिलिंग का सिचुएशन क्या है? एक्चुअली वेव ऐसा पहला बार वेव ऐसा था, the span was more, height was less, abhi height is the spike hai, jada spike hai, ye to hindustan ka pura hindustan darjeeling aisa darjeeling ka bhi hai, 2 weeks back we had around more than 20% positivity, almost 25% Two weeks back. Every one in four we had tested, 161, among them there was 25 positives.
rate of recovery? Rate of recovery is good. Now, I think it is a bit lower. Now it is, the positivity is around 10%. 10%. Okay. Tell me, Dr. Sir, one thing. Yesterday, I think there was 62,000 plus tests taken in West Bengal. And as far as positivity is concerned, that was more than 20,000. Which means almost 34 to 35% positivity. So, are we in the same run rate or something different is happening in that area? हाँ बोलो तो 62,000 बहुत है ना I'm back in my office. I was in a meeting in CMH office. That means in Darjeeling about 30-35% or lesser? Lesser. Now what we see it is around 10%, 10 to 12, around that. 10 to 12. Of all those who are. अब डॉक्टर साहब सीधा ये बताइए आपके अस्पताल में कितने बेड हैं जैसे कोविड के? कोविड के बेड अभी तक 20 है बस, काम चल रहा है, जीटीए भी काम कर रहा है. आई थिंक व्हाट दे हैव सेड इट विल बी कंप्लीटेड बाय वन वीक. तब बेड वो हाँ, 40 बेड तक हो जाएगा. यहीं पे करेगा या डिफरेंट लोकेशन पे? यहाँ पे. सो अभी 20 है मतलब 60 तक तो होने नहीं पाएगा, 50 हो जाएगा तो 38 हो जाएगा. तो ये जो 50 बेड होंगे ये एंटायर दार्जिलिंग के लिए होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस आप सीधा सिलीगुड़ी भी हिल एरियाज के लिए हो जाएगा. ये सिलीगुड़ी भी तो भेजते होंगे ना थोड़ा क्रिटिकल होने. हाँ, क्रिटिकल होने से भेजते हैं. तो यहाँ क्या सारी 1, 2 यहाँ रखते हैं क्या? सारी भी रखेगा हम लोग. सारी के लिए 10 मेल 10 फीमेल वो कर देगा. अभी तो सारी रखते है. वो कोविड को वार्ड जो किया है उसमें ही रखते है. फिर सारी को अलग एक रूम थोड़ा काम है उसमें, वो काम करने के बाद सारी अलग रूम में शिफ्ट हो जाएगा. सारी अभी एक अलग रूम में रखता है व्हिच वाज सपोज टू बी फॉर कोविड, वो दूसरा रूम में शिफ्ट हो जाएगा. तब कोविड के लिए 50 बेड हो जाएगा, सारी के लिए 10+10 मतलब 50+20 हो जाएगा. कितने वेंटिलेटर है अपने पास? वेंटिलेटर 5 है अभी तक. एसडीयू का काम है, मेडिकल गैस पाइपलाइन मतलब ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम होगा. ऑक्सीजन बेड कितने हैं अभी? हम लोग का पास ऑक्सीजन बेड मतलब अभी तो मेडिकल गैस पाइपलाइन का काम स्टार्ट होगा. अभी तो पहले स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो जाए. उससे देते थे हम लोग डायरेक्ट इस सिलेंडर से देते हैं. अभी सिलेंडर और नहीं तो कंसंट्रेटर. कंसंट्रेटर कितने हैं? कंसंट्रेटर 10 है अभी हम लोग. सिलेंडर कितने हैं? सिलेंडर टोटल हॉस्पिटल के लिए तो बिटाइप 119 है. कहाँ से फिलिंग कराते हैं? फिलिंग तो डीआरएस से हम लोग का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, हमारे भी 500 फिल करा सकते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, व्हाट इज द थिंग इज नाउ ऑक्सीजन डिमांड हैज बीन इंक्रीज, दैट इज द थिंग. ऐसा आप जितने सिलेंडर भेजना हो आप भेज देना, ठीक है. हमारे पास 6 टन का ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ नहीं है, दूर है, लेकिन मैं सब अरेंज कर दूंगा. डेली लेवल पे आपको 500 से 600 सिलेंडर मिल जाएंगे. मतलब अभी भी हम मध्य प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं, तो दार्जिलिंग में कोई इशू नहीं. वेरी काइंड ऑफ यू. वेरी काइंड ऑफ यू. अच्छा, हम अपने जनता के काम में आए तो हम नेता किस काम के? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, मुझे जो समझ में आता है, नॉट ए डॉक्टर बट फिर भी जो मुझे समझ में आता है, क्या पेशेंट आता है आपके पास, क्या है जो ऑक्सीजन वाला पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, उससे क्रिटिकल है वेंटिलेटर वाले को वेंटिलेटर देना है, ठीक है जी. मेरे ख्याल से 50 से 80 में रहते हो तो ऑक्सीजन देते होंगे, 50 से नीचे आते होंगे तो वेंटिलेटर में ले जाते होंगे, ये होगा मोटा मोटा. या उसके कंडीशन और वीक होती होगी. आप सिटी एचआरसीटी तो कराते नहीं है? एचआरसीटी को तो इधर कोई मौका नहीं. अब देखिए, एचआरसीटी नहीं है. दूसरा,
आप जो उसका हार्ट के अंदर में है, चेस्ट में जो इन्फेक्शन लेवल है, उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिटाइमर करते हैं? डिटाइमर को किट और जो मशीन वो हम लोग के पास नहीं है, सीआरपी इधर होते हैं, आयल सीआरपी होते हैं, सीआरपी करते होंगे। अब सीआरपी तो क्या है, मान लीजिए कोविड तो छोड़ दीजिए, मतलब कोई भी छोटा मोटा खांसी भी आई तो मेरा सीआरपी बढ़ जाएगा, उससे तो कोविड का कोई पता चलेगा। डिटाइमर नहीं ना, कोविड का तो टेस्ट करते हम लोग, रैट करते, आरटीपीसीआर करते, रैट पहले ही रैट कर लेते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पेशेंट आपके यहाँ भर्ती होने के बाद उसकी कंडीशन डिटोरेट हो रही है कि इम्प्रूव हो रही है, हमारे पास क्या पैरामीटर है, ये मैं बोल रहा हूँ। SPO2 CRP CRP से क्या भाई साहब, CRP तो कोई भी बीमार भी बढ़ जाएगा ना। सुनिए, उसको देर आर टू थिंग्स, पहले रैट करा लेते, रैट पॉजिटिव हुआ तो कोविड कन्फर्म हो गया। द पेशेंट हैज सिम्टम्स ऑल्सो, सिम्टम्स इज ऑल द सिम्टम्स आर फॉर कोविड, द पेशेंट इज रैट पॉजिटिव, दैट इज वन थिंग। नंबर टू इज रैट नेगेटिव हो तब भी सिम्टम्स आर लाइक कोविड, उसको हम लोग सारी वर्ड में रखते, लेकिन एज द वायरस हैज बीन म्यूटेटेड नाउ वी टेक देम टू बी क्लिनिकली ऑलमोस्ट सिमिलर टू बी कोविड, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोबेबली कोविड केसेस, तो उसको सीआरपी करेगा तो दैट मीन्स दैट इज ट्रू फॉर करेंट डिजीज, उसको सिम्टम्स कोविड का माफिक है, रैट पॉजिटिव है या रैट नेगेटिव है, दैट इज क्लिनिकली कोविड, उसको सीआरपी कैसे चलते है दैट मीन्स दैट इज ट्रू फॉर करेंट डिजीज। कितने देर में रिपोर्ट आ जाते हैं सीआरपी का? सीआरपी का रिपोर्ट तो एक दिन में हो जाता है, हम लोग का। लेकिन डिडाइमर किट को आई हैव इंक्वायर फॉर डिडाइमर किट, डिडाइमर किट नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, मैं तो आप लोग को प्रणाम करता हूँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर भी आप लोग जो कर रहा है ना, ये बहुत ही, मैं देखो मैं कभी दोष डॉक्टर को दे ही नहीं सकता, वो तो भगवान है, और मैं देखो सरकार को भी दोष आज के लिए नहीं दूंगा, आज तक कभी किया ही नहीं तो आज क्या करेगा 7 दिन में। सो असलियत ये, मैं देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं, जितना मैं समझाऊँ, बड़ा सा होल हो साफ सुथरा, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन बेड हो, क्रिटिकल केयर के लिए कुछ ICU बेड हो, इतना ही हमको चाहिए। पेशेंट आएगा, कई लोग को बगैर ऑक्सीजन के आइसोलेशन में ठीक होके निकल जाएंगे, ऑक्सीजन 2-4 को चाहिए होगा, क्योंकि आप ऑक्सीजन का भी कई लोगों तो बेचारे घबरा के वैसे ही ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, तो कई लोग तो ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वो तो बहुत बड़े विषय नहीं है, हम इधर उधर फालतू खर्चे करते हैं ना, ये हो। और क्या है पहाड़ के लिए जो मैं बहुत, क्योंकि मैं बहुत प्रयास करता हूँ, जूते घिस गए लेकिन मेरे कहने से होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, यहाँ से यह थोड़ा सा आगे बढ़ा है ना विषय, तो मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए अब क्या है, सबसे क्रिटिकल चेस्ट कितना इन्फेक्टेड है वो तो HRCT ही बता सकता है, बाकी तो ब्लड के थ्रू हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे को जोर से छींक आएगी, कोई छोटी मोटी बीमारी आएगी तो भी CRP बढ़ जाती है, तो अगर हमारे पास HRCT होता, हम चेस्ट का इन्फेक्शन लेवल देख सकते, तो हमको ये पता चलता है कि ये मरीज यहीं ठीक हो जाएगा या आगे रिफर करना है, ये बहुत बड़ा वरदान होता है HRCT। अब क्या है, मतलब अब HRCT नहीं है तो बेचारे वो आप कर नहीं पाते, तो आप पेशेंट का उसका फिजिकल कंडीशन देख के, उसका CRP ब्लड टेस्ट देख करके, उसका कोरोना टेस्ट करा के आप उसका इलाज कर रहे हो, वो चीज़ ओके जनरली करना भी है ये, बट थोड़े क्रिटिकल पेशेंट के लिए क्या कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आज बुला और कल लग गया, ऐसा भी नहीं हो सकता, उसके लिए तो बहुत आपको टेक्नीशियन भी चाहिए, उतना बड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उतनी बड़ी मशीन भी आपको मशीन चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट चाहिए, वो तो है, और इधर तो जगह भी कम है।
जगह भी कम है क्योंकि अच्छा मेरा तो कहना है कि कोविड अस्पताल एक सेपरेट होना चाहिए, जनरल अस्पताल सेपरेट ही होना चाहिए, कोई आपस मिक्सअप भी मत करो, तो उससे क्या है कि आपका बेटर मैनेजमेंट हो सकता है मेरा। इसलिए हम लोग तो बहुत प्लानिंग करते कैसे सेपरेट करेगा। अभी दादा वो नीचे बनाया ना, वो क्या नाम है उसका, अब उसको फुल टाइम डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, बोर्ड तो लगा दिया कोविड अस्पताल, अब वो जा करके पूजा वूजा भी किया, उसके बाद उसमें काम होता। हमको बोलते ना मशीन लगाना, हम लगा देते, केंद्र सरकार लगा देती, लिख के भेजते, कुछ करते, वो नहीं है तो आज बेचारे जनता तकलीफ में है। अच्छा हम नेता बन के घूम रहे हैं बस बड़े बड़े सूट पहन के, क्या करें, तो तकलीफ होती है इस बात की। लेकिन फिर भी क्या है, डॉक्टर है नर्स से, जनरल सिचुएशन में भी देखो आप लोग लगे हैं, और मतलब कोई वो दूसरा आपको छोड़ के भाग जाए। एक्चुअली हम लोग का तो काम करना है और दिस इज आवर ड्यूटी आल्सो, ये जो जितना भी जनरल पेशेंट होता है डॉक्टर साहब, बाहर में एक ग्रीवियंसेस है कितने लोग का कि कोविड के कारण उन लोग को अटेंड नहीं किया जाता है जो नॉर्मली जनरल पेशेंट है, तो क्या है उसके ऊपर में क्या कर रहे हैं आप लोग जनरल पेशेंट का ध्यान नहीं दे रहे। अभी बाहर में आपको बताया जा रहा है कोविड पेशेंट है तो वो लोग को, आप उनको विश्वास करना चाहते हैं तो उनको विश्वास कीजिए। हम लोग का डॉक्टर डेली एटलीस्ट 3 times राउंड देते, डॉक्टर को ड्यूटी सेपरेट कर दिया कोविड वार्ड के लिए, दे गिफ्ट दे अटेंड ट्वाइस ए डे मिनिमम, प्लस अंकल में हम लोग का इमरजेंसी डॉक्टर जो है वो भी जाते, प्लस मेडिसिन का डॉक्टर वो भी कभी जरूरत पड़ते वो भी जाते। कोविड का वार्ड में जितना जरूरत पड़ते जाते, और द थिंग इज डॉक्टर का नर्स का भी तो सेफ्टी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मेरा ये था एक सुझाव समाधान सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कोविड आपके पास 20 ही बेड है तो कोविड के तो 20 पेशेंट होंगे मैक्सिमम, सुबह और शाम को एक बुलेटिन हम बाहर लगा दें पेशेंट वाइज, तो उससे क्या है बहुत सारे लोग पढ़ के सेटिस्फाइड होंगे, आपका टाइम भी नहीं खराब करेंगे, डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन भी नहीं होगा, कंप्लेन भी नहीं आएगा, आप तो लिख करके स्टेटस सबके लिख दे, तो उससे क्या हो जाएगा उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, और मुझे लगता है 20 लोगों के लिए हम हाथ से लिख करके चिपका सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। सो क्या है कि फिर इंटरेक्शन कम से कम होगा ना, क्योंकि बेचारा जो पब्लिक आ रहा है वो भी पॉजिटिव है नहीं किसको पता है, अपने लोगों को जानना भी चाहते हैं उसका कंडीशन क्या है। एनीवे ऐसा है आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे लिए कुछ, क्योंकि ये विधायक है मैं यहाँ का सांसद हूँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो कुछ भी कर सकते करें, तो कुछ होगा हमारे लिए तो आप बताइएगा, ठीक है जी। स्टेट बात करना हो स्टेट में करेंगे विधायक जी, केंद्र में बात करना होगा केंद्र में बात करेंगे। मैंने तो एक बार कहा था टेस्टिंग RT-PCR मशीन लगा दो, मैंने रिक्वेस्ट किया है, मैंने कल भी किया है, CM को चिट्ठी लिखा है कि आप जो है फाइल आगे बढ़ाओ, तो फिर जो है हम उसको लिए जल्दी से जल्दी करें। तो कुल मिला के ऐसा समय है, राजनीति तो छोड़ दीजिए, समय ही नहीं है करने का, ठीक है जी। हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है ये भी नहीं कहना चाहिए कुल मिला, और हमारे जैसे लोग ज़्यादा आके आपका टाइम भी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत विशेष टाइम है ना, आप तो हेल्प करने के लिए आया था। तो मतलब ये है कि हमारे लिए कुछ भी होगा आप कहिएगा, आज भी मैं 2 कंसंट्रेटर लेके आया हूँ आपके लिए, और फिर कुछ मास्क लेकर के आया हूँ, कुछ PPA किट लेके आया हूँ, 1-2 जो कुछ ऑक्सीमीटर भी लेकर के आया हूँ, तो और भी मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं, हिंदुस्तानी नहीं मिल रहा है, मैं बाहर से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैंने एक आज वहाँ भी भेजा है, बिजनबाड़ी भेजा है, सुखिया भी भेजा है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, क्योंकि ये सब घर से ऑपरेट नहीं हो सकता, घर से तो एक ही आदमी करेगा, अस्पताल में रहेगा तो वो पाइप बदल लो मैक्सिमम लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक मैंने DM को भी कहा है एक अस्पताल में एक जो है एम्बुलेंस देने के लिए, तो MP से साहब को 4 दिन में सेंशन हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट के लिए PSA प्लांट के लिए एक प्रपोजल शायद भेजा है, तो उसका मुझे कॉपी मिल जाए ना, क्योंकि वो तो सब डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं, या जगह आइडेंटिफाई कर लिया क्या,
जाएगा तो हम लोग का जो कोर्टयार्ड है उधर ज्यादा जगह नीचे ही होता है। नाइन बाई सिक्सटीन मीटर हो जाएगा कोर्टयार्ड में। हमारे ग्वालियर में फैक्ट्री में 6 टन का ऑक्सीजन है, वो ग्लास प्लांट यूज होते हैं ना, उसमें क्या है 1600 डिग्री का हीट होता है ग्लास को मेल्ट करने के लिए, स्टील से ज्यादा मेल्टिंग वो चाहिए होता है। तो वो ये सब चला, हमने बोला फैक्ट्री उफ्टी बंद करो, फैक्ट्री बंद कर दिया। और वो डेली जो 4 डिस्ट्रिक्ट को पूरा सप्लाई कर रहे हैं। मैंने ये भी सोचा इनकेस हमारे यहाँ पे दिक्कत आएगी, हम ऑक्सीजन वहाँ से मंगा लेंगे, क्या रोज गाड़ी निकाल दो, 3 दिन में आई जाएगी। तो अगर हर दिन निकलेगी तो एवरीडे इट विल डेली आ जाएगा, 3 दिन का ही गैप रहेगा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन की ऐसी दिक्कत देखो बंगाल में नहीं। नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ेगा तो खराब, हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और ये कंसंट्रेटर भी अच्छा है, मतलब मुझे लगता है ये इससे भी काफी फायदा मिलेगा। तो अच्छा ये ऑक्सीजन अगर आप प्लांट लगा लें, कितने दिन में कवर पूरा हो सकता है ये? द प्रपोजल हैज बीन सेंट टू चीफ सेक्रेटरी, व्हाट आई हैव लर्नड, आई थिंक द फाइल इज विद चीफ सेक्रेटरी साइड नाउ। अच्छा, तो फिर वो भेजेंगे यूनियन को। I think so. तो 500 बना रहे हैं देश भर में ना, तो उससे बहुत फायदा हो जाएगा। तो एक बार तो निकल जाए, हमको एक बार ना आपके साथ बैठना है, सीएमएच के साथ भी बैठेंगे हम, दार्जिलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में कैसे और इम्प्रूव करें उस पर थोड़ा सा। अभी तो ये टाइम नहीं है, देखिए अभी तो वार फुटिंग पे जो हो सकता है करना है, तो अपने को बैठ करके जो है ना, मतलब सब लोग कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ठीक रहेगा तो बाकी तो सब चीज़ें ठीक हो सकती है, एजुकेशन भी ठीक हो सकती है, डेवलपमेंट भी हो सकता है, बाकी चीज भी हो सकती है, बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। आई केम हियर, आई एम हियर फॉर लेस देन 1 ईयर, जस्ट नाइन, इम्प्रूवमेंट हुआ है, 9 महीना हुआ है। एक चीज मैं फील करते कि इधर जाएगा कम है, कुछ काम करने के लिए नया कुछ करेगा तो जाएगा किधर है, तो किधर जाएगा है, जाएगा तो नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा ना, थोड़ा शहर से बाहर निकलना पड़ेगा, वही है क्राउडेड, वही है क्राउडेड जगह। तो देखो नया कुछ कैंपस मिल जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि कोविड के बारे में, नॉट ओनली अबाउट कोविड, वो तो बहुत कुछ काम करना है, कुछ नया प्रोग्राम है उसके लिए वर्ड बनाना है। दीदी का नाम बेड नंबर लिख के देना, अंजू सुब्बा 62, अंजू सुब्बा एक बार लिखना होगा, अंजू सुब्बा बेड नंबर 62, बेड नंबर 62। इनका एक बार एग्जैक्ट पेशेंट का रिपोर्ट क्या है, देखो किसी की ड्यूटी लगा के ना, अब ये करा दीजिए बुलेटिन सुबह और शाम को ना, एक चिपका दीजिए वार्ड पे, डॉक्टर साहब ये पहले ही हो जाते। डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब उससे क्या फायदा होगा, बुलेटिन लगा देंगे ना, तो मेरी का आदमी बेचारा यहाँ खड़ा था अभी पता करने के लिए, तो बेचारा वो यही से फोटो खींच के कोई भेज देगा, उसको आने की जरूरत है, उसका पैसा बचेगा बेचारा, वो कोविड होने से बचेगा, भीड़ कम होगा। অঞ্জু সুব্বা বেড নাম্বার 62, একটু এই করুন তো, একটু 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 ইনকোয়ারি করে ওর কন্ডিশনটা একটু বলুন আমাকে। বস বহুত উম্মীদে হ্যাঁ আর আপ সক্ষম হ্যাঁ और आपके बारे में बहुत बड़ाई सुनी। आई डोंट नो मैं सक्षम है कि नहीं, बिल्कुल है डॉक्टर साहब, तो क्यों नहीं सक्षम है, भगवान ने, आई कैन से ओनली आई एम ट्राइंग। नहीं, ईमानदारी से जो भी ट्राई करते हैं सफल हो ही जाते हैं। चलिए हम लोग निकलते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, वो देखो जरा ये पीपीई किट है हमारे डॉक्टर के लिए, ये भी कुछ ट्रेडिशनल मास्क है, थैंक यू। और ये लाओ, ये ऑक्सीमीटर, ये कुछ ऑक्सीमीटर है डॉक्टर, और ये जो है कंसंट्रेटर,
ये दो कंसंट्रेटर लाए हुए हैं ये अच्छा है, इसके अंदर में आपका वो नेबुलाइजेशन भी है, ऑक्सीजन भी है, सारा इक्विपमेंट है, आपको भी ज़्यादा पता है। तो और भी कुछ जरूरत होगा तो आप बताइएगा प्लीज़। एक और बाहर है कोई भी कोई एक और भी है ये भी है, एक ही कंपनी का है, ये हिंदुस्तान में तो मिल ही नहीं रहा था तो इंपोर्ट करके मंगा है। वो भी उधर से भी इंपोर्ट हवाई जहाज से, यहाँ से भी, कल रात को कस्टम क्लियर करा था, सुबह हवाई जहाज से मंगाया। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, ठीक है डॉक्टर साहब। दार्जिलिंग विधायक नीरज जिम्मा जी और कर्शन के विधायक बीपी बजगाई जी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिला अध्यक्ष कल्याण देवान जी और हम सब लोग अभी इस समय यहाँ पे दार्जिलिंग अस्पताल में आए हुए थे और यहाँ पे डॉक्टर से मिलना हुआ। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी हो और अस्पताल में व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन डॉक्टर अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है डॉक्टर और यहाँ की जो नर्सें हैं उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए भी वो दिन रात खट रहे हैं और मरीजों की जान बचाने में अपना मतलब जान लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब लोग जो है बहुत बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है हम सबको मतलब हम सब उनकी ऋणी हैं और ये बहुत बड़ा एहसान वो लोग दार्जिलिंग की जनता के ऊपर में कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि दार्जिलिंग अस्पताल को लेकर के कभी भी कोई डेवलपमेंट का काम इसके ऊपर नहीं हुआ। अगर कोई यहाँ का प्रशासन और जीटीए में बैठे हुए लोग अगर ये दावी करते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है। आज जो दार्जिलिंग अस्पताल की अवस्था है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ का जीटीए और यहाँ का प्रशासन है। आप देखिए इतने बड़े दार्जिलिंग अस्पताल में ना HRCT का मशीन है, ना CT स्कैन है, ना एक्सरे की मशीन है, ना यहाँ पे जरूरत के जो है ब्लड टेस्ट होते हैं जो एक कोविड पेशेंट के हालात को जानने के लिए किया जाना चाहिए। सो ये दुख की बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अवस्था जैसी भी हो उसमें जो अच्छा कर सकते हैं डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है उन पर भरोसा करना चाहिए। और आज मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक जो है ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दार्जिलिंग अस्पताल के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि अस्पताल गंदा है, मरीज आकर के ठीक होने की बजाय ज़्यादा और बीमार हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 20 कोविड के अस्पताल के बेड हैं और जो पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जनता से यही अपील करूँगा जैसा भी हमारा अपना है, अभी क्या है नहीं है इस पे हम ज्यादा ना जाए, हम सब लोग क्या कर सकते हैं वो करें। और हम सब लोग आज यहाँ पे आए, मैं स्वयं भी 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर के आया हूँ और मैंने आज डॉक्टर को हैंड ओवर किया है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीमीटर है और साथ में कुछ मास्क और PPE किट वगैरह भी हमने दिया है। हम अपनी तरफ से कर सकते हैं और कुछ अच्छे सुझाव भी हमने उनको दिए हैं। अगर यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार हमारा उपयोग करना चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको राजनीति से फुर्सत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार है। लोगों की जान जा रही, लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको आज भी राजनीति से फुर्सत नहीं है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप यहाँ की प्रशासन के ऊपर में और यहाँ की सरकार के ऊपर में, खास करके हमारी स्वास्थ्य मंत्री ममता दीदी के ऊपर में। आपने गोरखाओं के ऊपर बहुत अन्याय किया है, गोरखा जाति को तबाह करने का आपने काम किया है और दार्जिलिंग के अस्पताल में आकर की भी यही बात साबित होती है कि गोरखाओं की आप हमेशा दुश्मन रही है, आज भी थी और आगे भी आप रहेंगे।